नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि मोहब्बत देशों की सीमाएं नहीं देखती, शायद इसीलिए भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच आजकल प्रेम विवाह के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का किस्सा तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसने ग्रेटर नोएडा के एक युवक से शादी कर अपना घर यहीं बसा लिया है। अब राजस्थान के चुरू में एक व्यक्ति रहमान ने पाकिस्तानी महिला से मोहब्बत हो जाने के बाद उससे निकाह कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों की ऑनलाइन मुलाकात हुई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह हो गया है। अब पाकिस्तानी बहू अपने ससुराल आ चुकी है तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राजस्थान के चुरू में लोग इस पाकिस्तानी बहू को देखने के लिए रहमान के घर आ रहे हैं। मीडिया का भी जमावड़ा इस दंपति के घर के बाहर लग रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तानी युवती महविश लाहौर की रहने वाली है। उसने राजस्थान के चुरू जिले के पिथिसर में रहने वाले रहमान से निकाह कर लिया है। दस्तावेज बनवाने के बाद वह 25 जुलाई को भारत आई। महविश के घर वाले उसे छोड़ने के लिए वाघा बॉर्डर तक आए थे। राजस्थान से रहमान के परिजन भी वाघा बॉर्डर पहुंचे थे अपनी पाकिस्तानी बहू को लेने के लिए। पाकिस्तानी बहू को साथ लेकर परिवार पहले पुलिस थाने गया। वहां पुलिस ने महविश का पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दस्तावेज जाँचने के बाद उसे ससुराल जाने दिया। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया के चर्चित वीडियो कॉल ऐप ईमो पर दोनों प्रेमियों की मुलाकात हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई जो कि प्यार में बदल गई। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल की मोहब्बत को दोनों ने शादी का रूप देने का फैसला किया। महविश जहां अपने ससुराल आकर खुश है, वहीं उसके ससुराल वाले भी पाकिस्तानी बहू पाकर बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के रहने वाली है और वहाँ से इसने वृद्धि समेत अपना पासपोर्ट और वीज़ा जारी कराया है और डायरेक्ट बॉर्डर पे प्रोफर किया है कि पाकिस्तान के भी इंटेलिजेंस ने इसकी जांच की है और बाद डायरेक्ट बॉर्डर पर इंडिया की इंटेलिजेंस ने इसकी संपूर्ण जांच की है। भी फिलहाल 2 दिन हो गए हैं आए हुए, तो पुलिस किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह या जांच कोई कर रही है? पुलिस नहीं है कि जो भी फॉरेनर आता है उसका क्या कि थाने पर एंट्री होती है और जिला विशेष शाखा में उसकी एंट्री होती है। उसके पश्चात पुलिस के जो बीट कांस्टेबल है उसको आगे लगा रखा है। इसके 24 आवर्स उसकी वो वॉचिंग में। इनकी शादी कब हुई थी रहमान से? कुछ शादी इनकी 2022 में हुई है और वो इनकी को एक लो मैरिज टाइप में अपने पास शादी से संबंधित दस्तावेज उन्होंने पेश नहीं किए। कितने दिन के वीजे पे है ये? 45 दिन के वीजे पे। जी बताएं, किस तरह का माहौल है घर में? घर में माहौल बढ़िया है, पब्लिक से देखना आ रही है, उसी से दिखा रहे हमें है। और सुबह 5 बजे उठी है, मैंने चाय पानी करके दे दियो, हम तो खेत चल गए। सीधी सीधी बात है, मैं को अभी मींगनी बार ले ही, गुआड़ी बार ले ही, गोबर ठार ले ही, है ना? जको मैं खेत हूँ आई जसो क्यों करड़ो पायो। और रोटी भी बना के दे रही है, चाय बना के दे रही है। माँ से ला मारो घर के मायने सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी से सह देखो। पाकिस्तान की बहू आपके घर आई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। जी बताएं अपने बारे में। जी मैंने रहमान के साथ मुझे 3-4 साल हो गए, शादी को मेरे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो 2022 में मैंने की थी शादी, तो उसके बाद हम लोग उमरे पे गए हैं, उधर फिर हमने सऊदी अरब में निकाह किया है और मैं अपने इधर पीती सर आई हूँ, वीज़े के साथ आई हूँ। तो वीज़ा दिया है मुझे 45 दिन का। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, उधर मेरी मसलन कागजात वगैरह देखे हैं। उसके बाद मैं फिर मेरे ससुराल वाले मुझे लेके इधर प्रीति सर में आए। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी नांद, मेरा देवर, मेरे ससुर, मेरे मसलन जितने भी फैमिली वाले ना, खाला ससुर, जो भी मामू ससुर, सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। सब ने मेरी बहुत इज्जत की है, उन लोगों से मुझे सबसे बहुत प्यार मिला है। तो मैं जब से आई हूँ मैंने अपने उसको ससुर को खाना बना के खिलाया है, चाय वगैरह बना के दी है, तो उन्हें बहुत पसंद है। सारा काम कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। आप भारत में किस तरह से महसूस कर रहे हैं अपने आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिला है मुझे इन लोगों से, सबसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं भी 3 दिन से हमारी पंचायत में है और मेरा घर ठीक इनके सामने है और यहाँ पे लोगों की आवाजाही, यहाँ पे एक जश्न का सा माहौल है और बच्ची वास्तव में संस्कारी है। इसने घर के सारे काम करने, बकरियों के काम करने, झाड़ू निकालना, चाय बनाना, खाना बनाना, सब कुछ काम कर रही है और ऐसे लगता है जैसे हमेशा से यहाँ रहती थी।
अब रहमान भी आने वाला है, सूचना मिली है। हाँ, अगले हफ्ते में रहमान आएंगे। हम लोग देखते हैं कानूनी प्रक्रिया में क्या है प्रावधान, उन्होंने भी केस किया है तो उस केस को भी हम देखेंगे बड़ी गहनता से और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। हम उस बच्ची के भी साथ हैं, उसका जो भी है इस घर में हक है उसका भी 1/2 में हम बिल्कुल ग्रामवासी सब उसके साथ हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।